उड़ीसा के प्रेस मीट में आपका स्वागत है। उड़ीसा से मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक उड़ीसा में कुल 2441 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इन 2441 सैंपल जो टेस्ट किए गए हैं उसमें 42 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इन 42 में से दो व्यक्ति स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर को चले गए हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है हॉस्पिटल में। अतः कुल अभी उड़ीसा राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 39 है। पिछले 24 घंटे में कोई भी नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। फिर भी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा सभी प्रकार की सावधानियों का पालन किया जा रहा है। सभी निर्देशनामा जो भारत सरकार ने जारी किए हैं उसका पालन कराया जा रहा है। लॉकडाउन को बिल्कुल कड़े रूप में उसका पालन कराया जा रहा है। जो दूसरे राज्य के व्यक्ति जो उड़ीसा में फंस गए थे लॉकडाउन के कारण, 1948 कैंप उनके लिए चलाए जा रहे हैं जिसमें करीब 65,000 व्यक्ति उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इन कैंप्स में सिर्फ रहने एवं खाने की व्यवस्था ही नहीं की गई है बल्कि इन कैंप्स में जो व्यक्ति उसमें रुके हुए हैं वहाँ पे उनके फिजिकल फिटनेस के लिए योगा का अभ्यास कराया जा रहा है एवं उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। जैसा आप जानते हैं उड़ीसा में जो अनाश्रित लोग हैं, जो असहाय हैं, जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में उन्हें कुक्ड फूड देने के लिए कैंप चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कैंपेन से ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 3,27,000 लोग लाभान्वित हुए हैं एवं इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में करीब 28,000 लोग इससे लाभ पा रहे हैं। मैं फिर से इसे दोहराना चाहूँगा कि उड़ीसा के ग्रामीण अंचलों में व शहरी अंचलों में जो अनाश्रित एवं असहाय लोग हैं, वैसे लोग जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के तहत करीब 3.5 लाख लोग प्रत्येक दिन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो भारत सरकार एवं उड़ीसा सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है उस लॉकडाउन को बिल्कुल कड़ाई से पालन कराने के लिए राज्य पुलिस के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं एवं अभी तक करीब 300 व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं में इन सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए करीब 300 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। ऐसे समय में ये भी जरूरी है कि जो कोई व्यक्ति समाज के अंदर अगर कोई र्यूमर फैला रहा है तो उन पे भी कड़ी कार्रवाई की जाए और उड़ीसा पुलिस ने इस दिशा में भी कार्य किया है और 55 लोगों के विरुद्ध र्यूमर्स फैलाने के लिए, गलत खबर फैलाने के लिए 55 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार से मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में पॉजिटिव की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
जो कल हमारे राज्य में 39 एक्टिव केस थे, आज भी वही 39 केस हैं। और फिर कल जो भी सिचुएशन रहेगा उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द प्रेस मीट ऑफ ओडिशा। आई एम टू इन्फॉर्म दैट इन ओडिशा देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस इन लास्ट 24 आवर्स। द नंबर ऑफ केसेस स्टैंड एट पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस स्टैंड एट 42, आउट ऑफ विच two have been cured and discharged. They have joined their family. One person died in hospital. So the total number of active cases as of now is 39 in the state of Odisha. However, this is no time to lower our guards, and we are trying to use this time to regain energy, to do intensive contact tracing, and to sanitize the area wherever we have found positive cases. Wherever positive cases have been found in the entire state, the local authorities have identified a certain area which is suspected to be contaminated, and that area has been declared as containment zone. The local authorities are taking all actions to disinfect those areas, to do active surveillance, to do an house-to-house survey in those areas so as to identify if anybody in those areas are suffering from any flu-like symptoms. As you may be aware, Odisha is running camps for migrant guest workers or people who have got stranded in the state of Odisha, people from other state. As on today, we have 1948 camps running where 65,000 people are being supported. I am happy to say that this support being provided in these camps is not only in form of shelter and food, but we are also taking care of activities such as physical activity by way of yoga and entertainment activities for those who are stranded in these camps. As you are also aware that
वी आर रनिंग अ कुक्ड फूड कैंपेन फॉर दोज हु आर डेस्टिट्यूट, फॉर दोज हु आर हेल्पलेस एंड फॉर सम रीजन आर अनेबल टू कुक देयर ओन मील इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, इंक्लूडिंग बोथ द अर्बन एरिया एंड द रूरल एरिया. देयर आर अराउंड 350,000 सच पीपल हु आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस कुक्ड फूड स्कीम विच इज बींग रनिंग इन द स्टेट ड्यू टू द लॉकडाउन. इन ओडिशा वी आर एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द लॉकडाउन डायरेक्शन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. पुलिस इज टेकिंग प्रिवेंटिव एज वेल एज प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर वायलेटिंग द गाइडलाइंस. सो फार 300 पीपल हैव बीन अरेस्टेड फॉर वायलेशन ऑफ द guidelines or advisories issued in view of COVID-19. In such difficult circumstances, it is also responsibility of the state to stop any rumor mongering so as to create panic among the people. In Odisha, the police has been very, very proactive in this regard also, and so far 55 cases have been registered in the state against those who were engaged in spreading of rumor. So once again, I would like to inform you that the number in Odisha stands as at number of active cases in Odisha stand at 39, which was the case 24 hours back. I will be back once again tomorrow with the latest update on Odisha. Thank you.